तो हम लोग पढ़ रहे हैं मन के विषय, है ना। तो चिंत विचार्य उह्य ध्येय और संकल्प। देखिए यहाँ पे एक हमने लिखा है, कोड बनाया है KUSBG, मिला? यस सर। कुश बीजी। अब देखिएगा, चिंत विचार्य उह्य ध्येय और संकल्प हम इसी क्रम में पढ़ते हैं, क्लियर है ना, ये तो हम इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो देखिए सब का, देखिएगा कर्तव्य से स्टार्ट हो रहा है ये श्लोक, किससे स्टार्ट हो रहा है? कर्तव्य से, मिला? मतलब के से स्टार्ट हो रहा है। हमको चार ऑप्शन में से सही आंसर देना है, हमको PhD नहीं करनी है वहां पे। श्लोक लिखा रहेगा, हमको चार ऑप्शन में से सही आंसर सेलेक्ट करना है। दूसरा देखिएगा, श्लोक किससे हो रहा है? उपपत्य, वहां पे यू आ रहा है, मिला? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है? संभावना शब्द आ रहा है ना, संभावना। चौथा है बी, बी फॉर भावना। अब आपको अगर कुछ बिजी है तो आप उहे और धे में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है? तो बी फॉर भावना, और जी फॉर क्या हो जाएगा? जी फॉर गुणवत्ता, गुणवत्ता। तो समझ में आया ये, चिंत विचार उहे और धे और संकल्प। आप श्लोक भी याद कर ले जाओगे लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में आई बात? तो ये बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता और गलत करके आते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, पहले तो, अब तो नीट होने लगा PG का, पहले जब सेपरेट सेपरेट एग्जाम होते थे तो महाराष्ट्र में बहुत पूछा जाता है ये। कोई भी पेपर महाराष्ट्र का आज तक ऐसा नहीं बना कि बिना इस चक्रपाणी के, मन के विषय के डेफिनेशन के बना हो, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। यस सर। लिख लीजिएगा, सत और चित्त ये मन के पर्याय हैं, सत और चित्त मन के पर्याय हैं। देखिएगा जिसके पास पुरानी किताब होगी, पेज नंबर 805 पे, या श्लोक नंबर जो 20 का विमर्श है उसमें देखिएगा, उहे में संभावना आया होगा, ध्येय में भावना आया होगा और संकल्प में गुणयुक्त आया होगा, मिला? बोलो भाई। यस सर। वहां भी आप लिख लीजिए KUSBG, KUSBG, वहां विमर्श जहां खत्म हो रहा है पैराग्राफ, वहां पे लिख लीजिएगा के फॉर कर्तव्य, लिख लीजिएगा के फॉर कर्तव्य, यू फॉर उपपत्ति, यू फॉर उपपत्ति, एस फॉर संभावना, बी फॉर भावना, जी फॉर गुण। बढ़ा जाए आगे। मन के कर्म, अगली डेफिनेशन है वो अगला श्लोक है, मन के कर्म, इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनस स्वस्थ निग्रह उहे विचारश्च। तो मन के जो चार कर्म होते हैं, चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्या है? इंद्रिय अभिग्रह, दूसरा स्वस्थ निग्रह, तीसरा उहे और चौथा विचार। तो उहे और विचार मन के कर्म और विषय दोनों हैं, समझ में आया? लिख लीजिए, उहे एवं विचार मन के कर्म एवं विषय। आगे बढ़ा जाए। ये दो बार पूछा गया है, उपपत्य अनुपतिभ्याम, जो विचार का डेफिनेशन है ना, ये उपपत्य वाला, ये पूछा गया है दो बार। श्लोक नंबर 21 के विमर्श की लास्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ, श्लोक नंबर 21 फर्स्ट पैराग्राफ विमर्श की लास्ट वर्ड जो है, धृतिः नियमात्मिकः, मिला? धृतिः नियमात्मिकः। यस सर, मिल गया। अंडरलाइन करिएगा उसको, धृतिः नियमात्मिकः। फिर लिखिएगा अंतःकरण चतुष्टय, ऊपर लिखिएगा अंतःकरण चतुष्टय, कितने होते हैं?
चतुष्टय है तो चार ही होगा, कौन कौन से होते हैं? मन मन बुद्धि अहंकार और चित्त। मन बुद्धि अहंकार और चित्त। मन बुद्धि अहंकार और चित्त। सर ये ग्रत ही नियमात्मक का है, शारंगधर का है ना? हाँ शारंगधर लिखा तो है उसने। नहीं सर वो आ भी लिखा है तो शारीर स्थान है उसको, शारीर शारीर स्थान के पहले अध्याय का है। अच्छा। अभी आएगा वो, यही हम लोग पढ़ेंगे उसको, परेशान मत हो, वो शारंगधर नहीं है। समझ में आया? धृति को हमने क्या बताया है? धृति को क्या बोला? नियमात्मिका। नियमात्मिका। नेक्स्ट पेज पे आइए, दो श्लोक दिए हुए हैं, इंद्रिय इंद्रियार्थो ही, ऐसा कुछ मिला श्लोक? यस सर। उसकी सेकंड लाइन में आइएगा, सेकंड लाइन में उसके बुद्धि निश्चयात्मिका मिला, बुद्धि निश्चयात्मिका। तो आपको यही कैच करना पड़ेगा कि नियमात्मिका क्या है और निश्चयात्मिका क्या है। ठीक है, यहाँ बच्चे छोटे छोटे से दौड़ते कूदते रहते। श्लोक नंबर 24 का विमर्श, नेक्स्ट श्लोक मिला, नंबर नहीं पढ़ा होगा। विमर्श में लिखा है, पंच भौतिक जगत में सभी वस्तुएं पंच महाभूत से उत्पन्न होती हैं। मिला ऐसा कुछ? सर्वद्रव्यम पंच भौतिक, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन्नर्थे, ऐसा हम लोग जानते हैं, जानते हैं सभी लोग, वही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ, सांख्य के सिद्धांत के अनुसार इंद्रियां कैसी हैं? अहंकारिक। ये इम्पोर्टेंट है कि सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकारिक बताया है। ठीक है, और आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां कैसी हैं? भौतिक है। भौतिक का मतलब महाभूतात्मक, लिख लिया ब्रैकेट में महाभूतात्मक। अच्छा ध्यान से बताइए, सोच के, कि आपने अन्योन्य प्रवेश पढ़ा है पदार्थ विज्ञान में महाभूत में? यस सर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आगे वाले महाभूत का गुण, आगे वाले मतलब पहले वाले का आगे वाले में ट्रांसफर होता रहता है। तो शब्द जैसे आकाश में है तो वायु में भी चला जाएगा, वायु का स्पर्श होता है, प्लस हम वहाँ पे शब्द भी लिखते हैं, ऐसा करते हैं। yes, पूर्व गुणश्चैव क्रमशः गुणिषु स्मृतः, ऐसा पढ़ते हैं ना वो, पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए हैं। yes, श्लोक नंबर 28 देखिए, 28 नंबर श्लोक मिला। yes, लिख लीजिएगा, सुश्रुत ने इसी को अन्योन्य प्रवेश कहा है। अन्योन्य प्रवेश वेदांत दर्शन में इसी को पंचीकरण सिद्धांत बोलते हैं। पंचीकरण, पंच पंचीकरण सिद्धांत लिख लोगे? यस सर। पंचीकरण सिद्धांत। अब पंच कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं ये सब लोग जानते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है।
ऊपर लिखिएगा विकृति 16, प्रकृति विकृति की अगर बात करें तो विकृति 16, एकादश इंद्रियां एवं पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां एवं पंच महाभूत इनको विकृति कहते हैं। श्लोक याद आ रहा है, खर द्रव चलोषण तम भूजल अनिल तेजसा आकाशस्य अप्रतिघातो, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है? दृष्टिम लिंगम यथाक्रमम, पदार्थ विज्ञान, बचपन की बातें। श्लोक नंबर 29 देखिए, मिला कुछ है तो पंच महाभूत जो हम लोग पढ़ते हैं उनके गुण हैं यहाँ पे। खर द्रव चलोषणोत्तम भूजल अनिल तेजसा, खर किसका होगा? पृथ्वी का होगा। द्रव किसका होगा? जल का होगा, ठीक है ना। जल किसका होगा? आकाश का, वायु, वायु का, वायु जाग रहे हो। और उष्णता किसमें होगी? अग्नि में होगी, अग्नि। ये क्रमशः। और आकाश का क्या है? अप्रतिघात है। आकाश का अलग से लिखा हो, आकाशस्य अप्रतिघातो, अंडरलाइन करिएगा उसको। दृष्टम लिंगम यथाक्रमम, ये क्रम से सभी महाभूतों के लिंग यानी लक्षण है, ये ध्यान रखिएगा। लिंग मतलब लक्षण है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट श्लोक में ये भी आता है। तो हमने आपको एक पंचीकरण सिद्धांत बताया, अन्योन्य प्रवेश, वो श्लोक याद रखिएगा। दूसरा क्या है? लिंग यानी लक्षण क्या है? खर द्रव्य चलोषण तुम भू जल अनिल, ये सब श्लोक रट लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा, है ना। BHU में पूछा गया था, अगला श्लोक जो है, गुणा शरीर गुणिना, मिला? यस सर। निर्दिष्टा च मेव च, ये BHU में पूछा गया था। शरीर में सूक्ष्म महाभूतों के गुणों को चिन्ह ही निर्देशित किया है, अर्थात लक्षण बताया है, रेफरेंस पूछा था, है ना। ये भी पूछा जा चुका है PG एंट्रेंस में, और 31वां श्लोक भी पूछा गया है। अर्था शब्द आदियो गेयाह गोचराह विषयाह गुणा, तो गोचरा को अंडरलाइन करिएगा, गोचरा को अंडरलाइन करिएगा, लिख लीजिएगा। गोचर विषय डैश करके गुण, गोचर विषय को गुण कहा है यहाँ पे चरक ने, और यही पूछा था। चार ऑप्शन जब कभी पेपर लगाएंगे तो आपको समझ जाएंगे कहाँ का क्वेश्चन है ये। एक गुणा शरीर है गुणिना, ये रेफरेंस याद रखिएगा। दूसरा, गोचर विषय को गुण कहा है यहाँ पे। गोचर विषय शब्द आदि गुण जब स्थूल रूप में हो जाते हैं तो उन्हें अर्थ कहा जाता है। आत्मा का एक पर्याय और है मनोजव, याद आ रहा है? मनोजव लिख लीजिएगा, मनोजव। चारी वाला श्लोक था सर। हाँ हाँ वही वाला। और महाजव किसको बोलते हैं? महाजव। महाजव व्यान वायु को बोलते हैं, महाजव व्यान वायु को बोलते हैं, व्यान वायु को महाजव कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 35, यहीं पे पढ़ा के फिर रोक रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। राशि पुरुष के 24 तत्व, मिला? अभी हमने बताया था ना कि 24 तत्व वाले पुरुष को राशि पुरुष भी कहते हैं, याद आ रहा? अभी पीछे बोले थे हम, जस्ट पहले भी जब, yes, तो राशि yes, पुरुष 24 तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया, इसी को संयोग पुरुष भी कहते हैं, संयोग पुरुष, संयोग पुरुष। 37 नंबर श्लोक का सेकंड हाफ सब इंपॉर्टेंट है, 36 भी इंपॉर्टेंट है, 37 का सेकंड हाफ भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है किस पुरुष के लिए है? रजस्तमोभ्याम युक्तस्य संयोगो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना श्लोक 36। yes. याद रखिएगा, राशि पुरुष का ये श्लोक है, रेफरेंस पूछता है, ठीक है। और
अत्र मोह सुखम दुखम जीवितम मरणम स्वतः, ये भी राशि पुरुष के लिए है। थर्टी एट नंबर सेकेंड हाफ देखिएगा, अभी हमने आपको बताया चिकित्सकीय पुरुष, कर्म पुरुष और षड धातु पुरुष, किसको बोलते हैं? षड धातु पुरुष को। यहाँ पे श्लोक को देखने से ऐसा लगता है ये श्लोक किसका है? षड धातु पुरुष का, लेकिन यह है किसका? राशि पुरुष का। समझ में आया कंफ्यूजन क्या होगा? यहाँ पे चिकित्सा शब्द आया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये राशि पुरुष के लिए है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन जब पूछेगा चिकित्सीय पुरुष किसको बोलते हैं, तो आंसर हमारा चेतना वही खादिन पंच महाभूत शरीर समवाय वाला षड धातु, उसी जो पंच महाभूत वाला जो पुरुष है उसी की हम चिकित्सा कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वही चिकित्सीय पुरुष होता है। यहाँ तक इसको रिवाइज करिए, थोड़ा सा है तो वही है ना। इस चैप्टर में भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या है, शॉर्ट में पेज फटाफट पढ़िए बता रहे हैं। 53 नंबर श्लोक देखिएगा, राशि संज्ञस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्मज, मिला कुछ ऐसा 53 में सेकंड हाफ? कई बार पूछा गया, न जाने कितनी बार, कि मोह इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाला कौन सा पुरुष होता है? राशि पुरुष, ठीक है, ये कई बार पूछा गया। 53 का सेकंड हाफ। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, करणानि मनो बुद्धि बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च, है ना, अभी हमने आपको बताया था अंतःकरण चतुष्टय, ऐसा कुछ बताया था पीछे, अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार चित्त, वो यहाँ पे हम बताएंगे। फिर इसके बाद उदय प्रलय आता है, वो तो यूजी में आता है। पंच तत्व की परिभाषा 74 नंबर श्लोक देखिए, 74 नंबर श्लोक मिला, शरीरम ही गते तस्मिन् शून्यागारम, बोलो बच्चा। पंच महाभूत शरीरी समवाय, जब शरीरी ही निकल जाता है तो हम कहते हैं ना उसको मिट्टी बोलते हैं, बोलते हैं ना मृत शरीर को मिट्टी बोलते हैं। yes, sir. तो पंच तत्व में लीन हो गया, ऐसा ही बोलते हैं ना, मतलब उसमें से आत्मा निकल गई, वही शून्यागार को बोला बनाइए, मृत शरीर को चरक में क्या बोला है? शून्यागार। समझ में आया? मृत शरीर क्या है? शून्यागार है, ऊपर लिख लीजिएगा शून्य शरीर, इसको बोलते हैं, दाहिनी पड़ गया है, बताओ। सर 45 डेज आफ्टर डिलीवरी, सूतिका, हाँ सूतिका को बोलते हैं शून्य शरीर, शून्य शरीर सूतिका। हमने 70, 71, 72, 73 ये चार छोड़ दिया ऊपर, प्राणापानो निमेशाद्य जीवनम श्री कृष्णा में मैं पढ़ाता था, तो वहां पे तो बच्चों ने जो जो श्लोक याद किया था, ये लोग पार्टी में एक बार सुनाए थे, मैं हैरान रह गया इतना लंबा लंबा श्लोक, मुझे लगता है कि बॉस ने सभी को याद करा रखा है और याद भी होगा, जाना पहचान लग रहा है कि नहीं? यस सर। तो लिख लीजिएगा, सुश्रुत ने आत्मा के 16 लक्षण बताए हैं, सुश्रुत आत्मा के 16 लक्षण, और चरक ने 22, चरक ने 22, ठीक है। जो तीसरी लाइन है, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति, इसको अंडरलाइन करिएगा, या तो आपको सभी होंगे। बाकी कल उपधा रहित चिकित्सा वगैरह, नष्ट की चिकित्सा, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। बुद्धि विभ्रंश क्या है, धृति विभ्रंश क्या है, स्मृति विभ्रंश और प्रज्ञापराध सर्वदोष प्रकोपक, सभी लोग जानते हैं। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कुर्ते अशुभम, है ना, धी धृति स्मृति का विभ्रंश बताएंगे, फिर कैसे इसके विभ्रंश होने से व्यक्ति अशुभ कर्मों को करने लगता है,
उन अशुभ कर्मों को करने से कैसे प्रज्ञापराध होता है और उस प्रज्ञापराध से कैसे सभी दोषों का प्रकोप हो जाता है, जैसे वर्षा ऋतु में भी सर्वदोष प्रकोप होता है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे कहाँ कहाँ पे सर्वदोष प्रकोप होता है नेक्स्ट क्लास में, प्रज्ञापराध, ठीक है। और उसी के साथ में सत्वा वजह के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के बारे में कुछ पूछना हो किसी को तो पूछो, आज जो जितना बताया है।